हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न मशीन लर्निंग फ्री सर्टिफिकेशन के बारे में। सो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक फ्रेशर हो या फिर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, देन ऑल्सो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो और आपको अमेज़न की तरफ से यहाँ पर मशीन लर्निंग के कोर्स में फ्री सर्टिफिकेट मिल सकता है। साथ ही में अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है मशीन लर्निंग से, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो कोर्स रहने वाला है मशीन लर्निंग का जो अमेज़न प्रोवाइड कर रहा है, ये बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल का, फाउंडेशनल से मतलब होता है बिगिनर लेवल का। तो बिगिनर और बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करके आपको एक फाउंडेशनल कंसेप्ट समझाए जाएंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो ये पूरा ही कोर्स आपके लिए बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अमेज़न की तरफ से ये फ्री सर्टिफिकेट मिल जाए और आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो स्लाइड्स और कुछ असेसमेंट दिए जाएंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाले, और आपको ये सिर्फ 90 मिनट में आपको 3 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, बिकॉज ये जो कोर्स है ये टोटल 90 मिनट्स का है और इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है जो कि 30 30 30 मिनट के रहने वाले हैं। और आप इंडिविजुअल एक कोर्स अगर 30 मिनट का उठाते हो और उसकी वीडियो स्लाइड कंप्लीट करके उसका असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पहले सेक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलने वाला है। आप सेकंड वाला जो इनका पोर्शन है वो स्टार्ट करोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे, आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और थर्ड वाला सेक्शन आप कंप्लीट करोगे तो आपको उसके रिगार्डिंग तीसरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है और किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली, बिकॉज जितना भी सपोर्ट है, जितना भी एजुकेशनल कंटेंट है, वो इन्हीं के द्वारा आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से अवेलेबल है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में और डिटेल्स देखेंगे सारी कि क्या कंटेंट रहने वाला है, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना रहेगा और किस तरह से आपको यहाँ पर अमेज़न की तरफ से मशीन लर्निंग के कोर्स में सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सारी डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक आप देखते रहिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, इससे आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई और आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस बनती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना है मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी ऐसे कोर्सेज के बारे में पता रहना चाहिए और वो भी ये बेनिफिट ले पाए। सो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, ये अमेज़न का जो AWS सर्विस है उसी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, AWS ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर ही जो पूरा आपका मशीन लर्निंग का ये फाउंडेशनल कोर्स है उसकी सारी डिटेल्स प्लस रिसोर्सेज प्लस आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सिंगल क्लिक पर इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक्स यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि ये देखो जो करिकुलम है यहाँ पर वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोला गया है कि ये जो कोर्स है ये फाउंडेशनल लेवल का है और ड्यूरेशन टोटल इस कोर्स की 90 मिनट की रहने वाली है, ठीक है। और एक्टिविटीज में यहाँ लिखा है कि करिकुलम इंक्लूड्स कोर्सेज विद प्रेजेंटेशन होंगी, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, वीडियो दी जाएंगी और नॉलेज असेसमेंट, आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ असेसमेंट यहाँ पर गिवन रहेंगे। और करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि आपको मशीन लर्निंग के बारे में बेसिक चीज समझाई जाए और आपको पता रहे कि यार बेसिक मशीन लर्निंग आप इंडस्ट्री में या फिर अपने बिजनेस में किस प्रॉब्लम के लिए आप कैसे मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस को यूज कर सकते हैं, या फिर ये भी आपको डिसीजन लेना सही रहे कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मशीन लर्निंग का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए इफेक्टिव होने वाला है। और ऐसे केसेस भी आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे कि जहां पर मशीन लर्निंग यूज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग एक सही अप्रोच नहीं है। तो इस दोनों ही तरीकों से आपको इस कोर्स में पूरा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम बाकी बात करें कि इंटेंडेड ऑडियंस क्या रहने वाली है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप कोई बिजनेस लीडर हो, आप नॉन टेक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, अगर आप चाहते हो कि आप मशीन लर्निंग का बेसिक सीख सके, साथ ही में ये जान सके कि मशीन लर्निंग किन टेक्नोलॉजी में, किन डोमेन में, किन बिजनेस में, क्या प्रॉब्लम्स में, किस तरह से यूज होनी चाहिए और उसका यूज करने का पूरा तरीका क्या रहता है, अगर ये सारी नॉलेज आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड लेनी है
तो इस कोर्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ जिस भी डोमेन में आप हो। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करी जाए प्री रिक्विजिट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स से मतलब होता है कि इस कोर्स को अटेम्प्ट करने से पहले क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक अगर आपको कंप्यूटर की और कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर कैसे चलता है या अंदाजा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन सब का तरीका क्या रहता है, तो आप इस कोर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई ज्यादा खास नॉलेज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स की नॉलेज नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है मशीन लर्निंग के कंसेप्ट की भी, आपको पता है कि यार मशीन लर्निंग क्या होता है और इसका यूज करके हम क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको इतना पता है कि हाँ यार मशीन लर्निंग का मतलब है किसी मशीन को ऐसा ट्रेन कर दो कि वो उससे हम अपना काम करवा सकें। ठीक है, तो ये हुआ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इतना भी पता है तब भी कोई इशू नहीं है, आप इस कोर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ये जो पूरा करिकुलम रहने वाला है इस पर्टिकुलर 90 मिनट के कोर्स के लिए, तो उसकी आउटलाइन क्या होने वाली है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि ये जो पूरा 90 मिनट का कोर्स है इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, पर्टिकुलर 30-30-30 मिनट के सेक्शन रहने वाले हैं। उसी हिसाब से इन्होंने बताया है कि कोर्स वन आपका रहेगा इंट्रोडक्शन वाला, कि आपको मशीन लर्निंग का एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सेकंड, प्लानिंग बताई जाएगी, प्लानिंग ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की, आपको अगर एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो उसकी प्लानिंग आप किस तरह से लेते हुए चलेंगे। इसी तरह से थर्ड आपका कोर्स रहेगा इस पूरे मॉड्यूल में, वो है बिल्ड अ मशीन लर्निंग रेडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मशीन लर्निंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इंप्लीमेंट करना है तो आप किस तरह से अचीव कर पाएंगे, ये चीज आपको थर्ड कोर्स में समझाई जाएगी। तो ये पूरा कंसेप्ट रहने वाला है इस पूरे कोर्स का, और इसी तरह से यहाँ पर नीचे मॉड्यूल्स के नाम गिवन है और इनको आप कंप्लीट करेंगे 30-30-30 मिनट्स में, उसी हिसाब से इनके इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम अब ये बात करें कि आपको किस तरह से ये अटेम्प्ट करने हैं और आपको ये सर्टिफिकेट किस तरह से मिलेंगे, तो इस वेबसाइट पर आप सबसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ लिखा आ रहा है कि फ्री कोर्सेज, तो ये जो कोर्स है ये पूरा 100% फ्री है। अदरवाइज होता क्या है कि यहाँ पर आपको AWS पर काफी जो Amazon की जो ट्रेनिंग है सर्टिफिकेशन है यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए तो फ्री में मिल जाएंगे काफी सारी चीजें, बट उनके सर्टिफिकेशन आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। इस कोर्स में आपको जो फाउंडेशन लेवल का कोर्स है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपके पास जो अपना सिंपल Amazon का अगर अकाउंट है तो साइन इन वाले बटन पर क्लिक करके उस अपने Amazon अकाउंट से लॉग इन कर लो और इन कोर्स में मॉड्यूल के हिसाब से वन बाय वन रजिस्टर करते जाओ और उसके जो वीडियोज हैं, प्रेजेंटेशन है और जो असेसमेंट्स है उनको कंप्लीट करके अपना पहला सर्टिफिकेट जनरेट करो फॉर मॉड्यूल वन। उसके बाद मॉड्यूल टू पे कंटिन्यू करो, उसके प्रेजेंटेशन और जितने भी वीडियोस हैं और असेसमेंट उनको कंप्लीट करो, सेकंड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहाँ पर जब रिडायरेक्ट हो गए तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जनरेट सर्टिफिकेट, जैसे आप कंप्लीट करोगे आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट का लिंक मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आप वहीं से डाउनलोड कर पाओगे इसी वेबसाइट से। तो इसी तरह से आपको थर्ड मॉड्यूल के लिए भी अपना सर्टिफिकेट जनरेट करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करा जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको लगता है अच्छी रही, ये कुछ एजुकेशनल था, आपसे इसको कुछ नॉलेज गेन हुई, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को अगर प्रेस करोगे तो ऐसी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलो, जिससे यार उनको भी ऐसे कोर्सेज के बारे में पता रहे कि वो भी ऐसे कोर्सेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो शेयर भी कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।